मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हड़ताली मुलाजमीन आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए हुकूमत से जल्द मुहायदा कर लें। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि वफाकी खिदमात कैनेडियन आवाम का हक है, हमें इंतजामिया और कारकुनान दोनों की जरूरत है। बड़े पैमाने पर दिफाई कमी कनाडा की सलाहियतों में रुकावट। अमरीकी कौमी सलामती के लीक दस्तावेजात में कनाडा का भी तज़किरा। वसी पैमाने पर खामियां इत्तेहादियों और दिफाई शराकत दारों के साथ तनाव का बाइस। जनूबी ऑन्टेरियो में गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। माहरीन का कहना है कि GTA में गैस की कीमतों में 10% तक इजाफा हो सकता है। आने वाले महीनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक, फिजाइया के इंटेलिजेंस विंग को काम बंद करने का हुक्म। अमरीकी एयरफोर्स तर्जुमान का कहना था कि इंटेलिजेंस विंग 102 इस वक्त अपने इंटेलिजेंस मिशन पर काम नहीं कर रहा, दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात जारी हैं। ऑस्ट्रेलियन माहिर फलकियात हाइब्रिड सूरज ग्रहण का मुशाहदा करने को बेकरार। शौकीन अफराद ऑस्ट्रेलिया के मगरबी दूर दराज इलाके में जमा हो गए हैं। शौकीन अफराद ने दूरबीने और हिफाजती चश्मे लगाकर मुकर्ररा वक्त से कबल ही डेरे जमा लिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हड़ताल करने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन पर जोर दे रहे हैं कि वो सर्विस की संगीन रुकावटों से बचने के लिए फौरी तौर पर एक मुहायदा कर लें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हड़ताल करने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन पर जोर दे रहे हैं कि वो सर्विस की संगीन रुकावटों से बचने के लिए फौरी तौर पर एक मुहायदा कर लें। लिबरल कॉकस के इजलास से पहले सहाफियों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा कि हुकूमत ने पीर को एक पेशकश पेश की, लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा ने उसका मायनी खेज जवाब नहीं दिया। PSAC ने मंगल को ऐलान किया कि 1,00,000 से ज़ायद कारकुनान मुलाजमत छोड़ देंगे, क्योंकि हुकूमत के साथ महीनों की बातचीत के बाद एक इज्तिमाई मुहैदा करने में नाकामी हुई है। ट्रूडो ने कहा, जाहिर है कैनेडियंस का हक है और वो वफाकी हुकूमत से खिदमात हासिल करने के मुस्तहिक हैं, इसीलिए हमें तरक्की को जारी रखने के लिए जल्द अज जल्द सौदेबाजी की मेज़ पर वापस आने के लिए इंतजामिया और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। PSAC के कौमी सदर क्रिस एलवर्ड ने बुध को कहा कि उनकी यूनियन एक मुहैदे तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा नहीं होगा जब तक कि हुकूमत
एक मुनसिफाना पेशकश के साथ मेज़ पर आने के लिए तैयार ना हो। अमरीकी कौमी सलामती के दस्तावेजात का लीक बड़े पैमाने पर अब कैनेडा में फैल गया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौमी सलामती के दस्तावेजात का लीक बड़े पैमाने पर अब कैनेडा में फैल गया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किए गए मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड्स मैन के मुबैना तौर पर ऑनलाइन पोस्ट किए गए मवाद में कैनेडा की फौजी तैयारी पर तनकीद की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने नेटो के हुक्काम को निजी तौर पर बताया है कि कैनेडा कभी भी फौजी अखराजात के हदफ तक नहीं पहुँचेगा, जिस पर इत्तेहाद के अराकीन ने इत्तेफाक किया है, जबकि दस्तावेज का दावा है कि कैनेडा की फौजी सलाहियतों में वसी पैमाने पर खामियां इत्तेहादियों और दिफाई शराकत दारों के साथ तनाव का बाइस है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर दिफाई कमी कैनेडा की सलाहियतों में रुकावट है। इस दस्तावेज पर अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मोहर लगी हुई है, जिससे मालूम होता है कि उसे अमरीकी महकमा दिफा की आला क्यादत के लिए तैयार किया गया था। दस्तावेज में मुबैना तौर पर कैनेडा और उसके नेटो इत्तेहादियों के दरमियान तनाव के मुतअद्दिद नुकात का हवाला दिया गया है। मुबैना तौर पर जर्मनी इस बारे में फिक्रमंद है कि आया कैनेडा नेटो के वादों को पूरा करते हुए यूक्रेन की मदद जारी रख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के दीगर ममालिक ने शिकायत की है कि कैनेडा ने लटोया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के वादे को पूरा नहीं किया, जबकि अमरीका आर्किटेक्ट दिफाई टेक्नोलॉजी को तेज तर जदीद बनाने का ख्वाहां है। फरवरी के मोहलिक जलजले के बाद इंसानी इमदाद पहुंचाने में कनाडा की तरफ से मदद करने से इनकार पर तुर्की मुबैना तौर पर मायूस है, जबकि हैटी की हुकूमत कनाडा की तरफ से वहां कसीरुल जहती सिक्योरिटी मिशन की क्यादत करने में हिचकिचाहट से मायूस है। जनूबी ऑन्टारियो में गैस की कीमत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली है। गैस की कीमतों में तकरीबन 10% इजाफा देखने को मिलेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी ऑन्टारियो में गैस की कीमत बुध के रोज कमी के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली है। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर डैन मैकटेक के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो एरिया में ड्राइवरों को तवक्को करनी चाहिए कि पंप्स पर गैस की कीमतों में तकरीबन 10% इजाफा देखने को मिलेगा। जीटीए और जनूबी ऑन्टारियो के बेशतर हिस्सों में कीमतें 156.5 सेंट फी लीटर तक पहुंच रही हैं और रातों रात 164.9 तक छलांग लगाएंगी। ये तादाद 15 नवंबर से नजर नहीं आई और मैकटेक के मुताबिक आने वाले महीनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम सरमा में गैस के मुरक्कब गर्मियों के मुरक्कब के लिए तब्दील हो जाते हैं। ये वाकई सिर्फ इस बात का आगाज है कि गैस की कीमत या तवानाई की कीमत का थोड़ा सा चक्कर जो हमें वापस धकेल सकता है, वो नहीं जो हमने पिछले साल देखा था, जब 8 जून को यहाँ जीटीए में और ज्यादातर हिस्सों पे ये 215.9 पर था। मैकटेक ने कहा कि वो सरहद के जुनूब में ये देखने के लिए करीब से नजर रखेंगे कि आया उनकी विफाकी हुकूमत शरह सूद में इजाफे को रोकने का फैसला करती है, जिसका बराह रास्त असर पंप की कीमत पर पड़ेगा। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात को लीक करने वाले एयरफोर्स अहलकार का ताल्लुक फिजाइया के इंटेलिजेंस विंग 102 से था, जिसे इंटेलिजेंस मिशन रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात को लीक करने वाले एयरफोर्स अहलकार का ताल्लुक फिजाइया के इंटेलिजेंस विंग 102 से था, जिसे इंटेलिजेंस मिशन रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एयरफोर्स तर्जुमान एन स्टेफानिक ने कहा कि इंटेलिजेंस विंग 102 इस वक्त अपने इंटेलिजेंस मिशन पर काम नहीं कर रहा। एयरफोर्स से जारी करदा बयान में मजीद कहा गया कि इदारे के तमाम यूनिट्स अगले 30 दिनों के दौरान किसी भी दिन काम रोक कर तमाम मामलात का जायजा लेंगे। अमरीकी एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा कि दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात जारी है, लिहाजा फिल वक्त इंटेलिजेंस यूनिट अपने काम बंद कर दे। वाजे रहे कि खुफिया दस्तावेजात लीक करने वाले एयरफोर्स अहलकार जैक टेक्सरा पर मिलिट्री इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स को कॉपी करके ऑनलाइन जारी करने के इल्जामात का सामना है। एयरफोर्स तर्जुमान एन स्टेफानिक ने कहा कि इंटेलिजेंस विंग 102 उस वक्त अपने इंटेलिजेंस मिशन पर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि फिजाइया के IG पहले यूनिट की तरफ से कौमी सलामती की मालूमात लीक होने पर तफ्तीश करेंगे। सितारों का मुशाहिदा करने के शौकीन और माहिरीन फलकियात नायाब हाइब्रिड सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मगरबी दूरदराज इलाके में जमा हो गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सितारों का मुशाहिदा करने के शौकीन और माहिरीन फलकियात नायाब हाइब्रिड सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मगरबी दूर दराज इलाके में जमा हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी हिस्से में हाइब्रिड सूरज ग्रहण का मुशाहिदा 1 मिनट से भी कम वक्त के लिए किया जा सकेगा। सितारों का मुशाहिदा करने के शौकीन और माहरीन फलकियात ने इस नायाब नज़ारे का मुशाहिदा करने की खातिर बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया के मगरबी दूर दराज इलाके में दूरबीनें और हिफाजती चश्मे लगाकर
مقررہ وقت سے قبل ہی ڈیرے جما لیے ہیں۔ میڈیا رپورٹ سے مطابق مجموعی طور پر مقامی وقت کے مطابق آسٹریلیا کے شمال مغرب میں 11:29 48 سیکنڈ پر ہائبرڈ سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جا سکے گا۔ بعض ماہرین فلکیات کے مطابق کئی افراد سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسے دیکھنے کی خاطر دنیا بھر کا سفر کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت سڈنی سے دور ایک بر اعظم پر ہائبرڈ سورج گرہن جزوی طور پر اس وقت دیکھا جا سکے گا جب سورج کے 20% سے بھی کم حصے کو چاند روک دے گا۔ اس وقت اس شہر کے رہائشی اس نظارے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اب اس کے بعد یہ نظارہ اس شہر کے 50 لاکھ رہائشی اگلی بار 22 جولائی 2028 کو کر سکیں گے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔